हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो लास्ट टाइम अनबॉक्सिंग दिखाई थी हमने आपको फायर स्टिक 2021 जनरेशन 3 की। आज मैं आपको इसका सेटअप गाइड अलॉन्ग विद माय पर्सनल ओपिनियंस, मैंने क्या फील किया अब तक मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। एक महीना हो चुका है यूज़ करते हुए मुझे, तो मैं कैसा फील कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेल लगा लिए रिमोट में, हमने अपना चार्जर रेडी कर लिया। अगर आपके टीवी में टैरेट फायर स्टिक लगाने में कोई इश्यू है सो यू कैन यूज़ एक्सटेंशन प्रोवाइडेड। चार्जर को फिट कर लो, ये पुराना माइक्रो यूएसबी टाइप स्लॉट है चार्जर के लिए। टीवी में एचडीएमआई पोर्ट में मैंने डायरेक्ट फिट इन किया, मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने उसे फिट कर दिया, फिर पावर सोर्स पे अडेप्टर लगा दिया। अब हम लोग रेडी हैं इसे ऑन करने के लिए। सो मैंने अपना टीवी ऑन किया और फायर स्टिक के लिए ऑन किया। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे अपडेट्स। ओके, सो एज सून एज मैंने इसे चालू किया, सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट करते ही पहला काम जो हम लोगों ने स्टार्ट किया इस अपडेट। सो ओवरऑल प्रोसेस में आप देखेंगे फायर स्टिक 2 से 3 बार अपडेट हुआ, उसने काफ़ी अच्छा टाइम लिया। सो आप लगा सकते हैं लगभग 10 से 15 मिनट ओवरऑल अपडेट टाइम चलता रहा। अब इन द मीन टाइम अपडेट स्क्रीन आपको दिख रही होगी कैसा चल रहा है। सबसे अच्छा फीचर जो मुझे पर्सनली लगा, आपका टीवी के रिमोट को यूज़ करने का कोई नीड नहीं है। लास्ट में आप देखोगे आप टीवी रिमोट को सिंक कर सकते हो फायर स्टिक रिमोट के साथ। दूसरा, एलेक्सा वॉइस कमांड्स वंडरफुल है, सर्चेस बहुत अच्छे हैं। अमंग द ऐप्स नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, प्राइम म्यूजिक, आपको यूट्यूब, इन सब के बीच में आपको कॉन्टेंट सर्च कर देता है। उसके बाद अगली एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फॉर योर हेडफोन्स। मेरे लिए ये बहुत ही एक्सीलेंट और अच्छा फीचर प्रूफ हो रहा है, बिकॉज मेरी आदत है मैं जनरली रात को मूवीज़ या कोई सीरीज़ देखता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या होती थी, जनरली मुझे अपने मोबाइल या लैपटॉप पे देखना पड़ता था हेडफोन्स की वजह से। अब मैं अपने ब्लूटूथ हेडफोन्स को अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर पाता हूँ और देख पाता आराम से। सो कोई और डिस्टर्ब नहीं होता। अर्लियर मेरा टीवी जो है वो एलजी का टीवी है, इसमें एलजी वेब ओएस है, ब्लूटूथ नहीं था इसमें, इसलिए मुझे वो प्रॉब्लम फेस हो रही थी हेडसेट वाली। बट मेरा टीवी एक स्मार्ट टीवी था तो मैं पहले से ही नेटफ्लिक्स प्राइम एक्सेस कर पा रहा था। जो चीज़ मैंने यहाँ बेटर फील की है इस बेटर स्ट्रीमिंग। सेम इंटरनेट कनेक्शन पे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर स्ट्रीमिंग मिलती है ऑन फायर स्टिक। ये सच में बहुत बेटर है मेरे टीवी के कंपैरिजन में। अब आप देख रहे हो अपडेट हो चुका है, हमने सिंपल लॉगिन किया। लॉगिन का भी तरीका बहुत ईजी है, आपको एक कोड मिलेगा, अपने ऐप पे जाके आप इसे कनेक्ट करो, कोड डालो, आप ऑटोमेटिकली सिंक हो जाते हो। सो आप देख सकते हो मैंने अपना पूरा अकाउंट सिंक कर लिया एक कोड के थ्रू मोबाइल ऐप से। दैट्स इट, आपका सब कुछ रेडी है। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टेप है जहाँ पे आप रिमोट सिंक करते हो अपने टीवी का। ओके, सो आप देख रहे हो टीवी का वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है विथ फायर स्टिक रिमोट। सो लास्ट में अपना वीडियो कंक्लूड करते हैं। पूरा सेटअप मैंने आपको लास्ट में एक बार फिर दिखाया, बहुत सिंपल है। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब अस, लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।